रायगढ़ जिला मुख्यालय में पुलिस विभाग के लिए बीता कल 2 दिसंबर 2021 बेहद चुनौती भरा रहा। एक तरफ सामाजिक कार्यकर्ता विनीतेश तिवारी के समर्थकों ने हंगामा खड़ा कर रखा था, तो दूसरी तरफ हमलावर आरोपियों को पकड़ने की मशक्कत जारी थी। इस बीच थाना चक्रधर नगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिंजकोट से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहले थाना चक्रधर नगर फिर एसपी ऑफिस आ पहुंचे। ग्रामीणों से इतनी बड़ी संख्या में थाने के बाहर आने की वजह जानने पर पता चला कि गांव में बीती रात 1 दिसंबर 2021 को गांव के एक अति विवादित व्यक्ति और आबकारी विभाग के कथित मुखबिर कलाराम साव की सूचना पर एक गलत कार्रवाई को अंजाम देने आए थे। आबकारी विभाग के ये कर्मचारी सरकारी जीप से गांव पहुंचे थे। उन्होंने गांव में रहने वाले सीधे सरल व्यक्ति जो उस वक्त सरकारी सेवा में उड़ीसा बॉर्डर में बने चेक पोस्ट पर चौकीदार के रूप में तैनात था, जिसका नाम पलटन चौहान बताया जा रहा है, उसे घर पर बुलाकर शराब बेचने का झूठा आरोप लगाते हुए न केवल उसके साथ अकारण गंभीर मारपीट की बल्कि जांच के नाम पर परिवार की महिलाओं को भी पीटा और उनसे भी बदतमीजी की। बाद में गांव वालों ने पता किया तो जानकारी मिली कि आबकारी विभाग को झूठी सूचना देने वाला व्यक्ति गांव का ही अति विवादित कलाराम साव था, जिसने पुरानी शत्रुता निकालने के लिए विभाग के कर्मचारियों को गलत सूचना दी थी। पीड़ित परिवार के लोग जब अन्य ग्रामीणों के साथ उससे पूछताछ करने लगे तो वो उन पर ही हमलावर बन गया। किसी तरह विवाद शांत होने के बाद ग्रामीण अपने घर चले गए, परंतु कलाराम ने राती थाने जाकर निर्दोष और पीड़ित ग्रामीणों के विरुद्ध पर बेहद शातिराना अंदाज में झूठी शिकायत कर दी। सुबह ग्रामीणों को इस बात की भनक लगी तो वो सभी एकजुट होकर अकारण मारपीट करने वाले आबकारी कर्मचारियों और उनके मुखबिर कलाराम के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर लिखित शिकायत पत्र के साथ थाना चक्रधर फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायगढ़ पहुंचे। इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीणों के आने की वजह मीडिया ने जानी तो पाया कि ग्रामीण आबकारी विभाग के उक्त हरकत से बेहद नाराज हैं। वो एसपी से मिलकर घटना की निष्पक्ष जांच उपरांत उचित कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं। रायगढ़ से नितिन सिन्हा की रिपोर्ट। घटना ये है कि वो जो कालाराम साहब है उसका पारिवारिक जीवन बहुत ही खराब रहा है। कालाराम ते भी वर्दी वाला में भी देखता हूँ, मैं बाबा पागिर दिखा था कि का पागिर दिखा था, मोर घर लाज पेल के तेज धमकी चमकी दे था कहीं की वो हर जो खोले में ताले इसने ठिला मार दी इसकी मोर आदमी के खून हर बुहा गई। अभी चोट लगा उनको कहाँ है वो? काल हॉस्पिटल में वो इलाज पानी करके और कागजात करके वो का कहते हैं घर चल दी। ये विषय लेकर के आप लोग सब यहाँ थाना है? नहीं, ये एक बारे से हम काल करवा दे रहे हैं, एक बारे से नहीं करे हन। तहाँ शाम के वो कालाराम ला बुलाए हन जो, तो कालाराम कह रही थी डौकी कह रही थी तोर बेटा के मैं बलता ली हो, मोर एक ठीक केस ला टूटन देता हाथ में काल ले तोर बेटा के केस ला तोर ऊपर में डाली हो कह रही। तो मैं कह भूला के रहे मैं काल सोर करने के ओकरे पर गए मोर डौका के मैं झाड़े हंसते हैं। आपके चाचा जो कोटवार है, क्या नाम है उनका? पलटन चौहान। क्या घटना घटी थी कल? आबकारी वाले आए थे मारपीट किए ऐसा बता रहे हैं? हाँ, आबकारी वाले आए थे मारपीट किए हैं बोल रहे थे, और ड्यूटी गया था, ड्यूटी में फोन करके बुलाए। कहाँ ड्यूटी करने गए थे? चेक पोस्ट में एकताल। फिर बुलाए? हाँ, फोन करके उनको बुलाया, ऐसा ऐसा हो रहा है बोल के। क्या कैसा हो रहा है? लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहे हैं बोल के। तो फिर उनको भी मारपीट किए। कौन क्या मारपीट? आबकारी वाले। उसके संबंध में आप लोग शिकायत करने आए? जी। क्या चाहते हैं आप लोग? न्याय चाहते हैं।